ये जो पीडीएफ मैंने ओपन किया है ये सबको विजिबल है नो मैम पीडीएफ दिखाई नहीं दे रहा तुम लोगों को नो मैम नो मैम एक सेकेंड एक सेकेंड आप दिखाई दे रही है स्क्रीन यस मैम यस मैम ओके मैंने पहले कुछ लास्ट लेक्चर में भी सुबह बता दिया था बैक्टीरियल वायरल प्रोटोजोआ से होने वाली फंगल ये सब डिजीजेस करनी है उसकी लिस्ट बनवाई थी ना कि बैक्टीरियल कौन सी है वायरल कौन सी है फंगल कौन सी है बैक्टीरियल में थोड़ी ज्यादा इसका सिर्फ ओवरव्यू दे, दे देती हूँ इनके कॉज़ेटिव ऑर्गेनिजम्स पता होने चाहिए जैसे टाइफाइड हाइटिस कॉस्ट बाय सालमनारा टाइफी और ये ध्यान रखना कि इसका नाम ठीक से लिखना है अंडरलाइन होने चाहिए कैसे होता है टाइफाइड कंटेमिनेटेड फूड से या फिर वाटर से और ये अटैक कहाँ करता था इंटेस्टाइन में इसीलिए इससे जो फीवर होता है दैट इज नोन एज फीवर मैरी की स्टोरी बताई थी कि वो कैरियर थी उसको खुद को टाइफाइड कोई भी हार्म नहीं करता था बट शी वॉज अ बिग सोर्स ऑफ टाइफाइड वो स्प्रेड कर रही थी टाइफाइड को और जितने भी कैरियर्स होते हैं उनके गॉल ब्लैडर में रहता है ये बैक्टीरिया लेकिन उनको ये हार्म नहीं करता नेक्स्ट इज में था बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज ऐसी हैं लाइक रुडयार्ड किपलिंग है जो जंगल बुक के ऑथर हैं ऐसे बहुत सारे नेम और भी हैं बट सिर्फ एक याद करना काफी है कि जिनकी टाइफाइड की वजह से डेथ हुई थी क्योंकि कभी पहले क्या होता है बहुत सीवियर हो जाता था अब तो उसका वैक्सीनेशन भी है और सीवियर केसेज में ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर देता है अटैक ये इंटेस्टाइन पे करता है पर धीरे धीरे लीवर गॉल ब्लडर स्प्लीन इन सब में स्प्रेड हो जाता है हमने पढ़ा था इंटेस्टाइन में परफोरेशन कॉज करता है ये पोर्स कर देता है इसका जो इनोकुलम uh, है दैट इज बैक्टीरिया की डिसीज कॉज करने के लिए कम से कम वन लैक साल बॉडी में एंटर करना मैंडेटरी है प्रिवेंट कैसे करोगे वही जो इसके हैं उसको अवॉइड करके कंटेमिनेटेड फूड नहीं खाना चाहिए कंटेमिनेटेड वाटर नहीं लेना चाहिए वैक्सीनेशन करा देनी चाहिए बैक्टीरियल डिसीजेज में सबके ट्रीटमेंट में एक चीज कॉमन आएगी एंटीबायोटिक्स निमोनिया न्यूमा वर्ड का मतलब होता है एयर जो लंग्स का इन्फेक्शन है राइट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है इसमें लंग की डिसीज है तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहेंगे ये एलआर है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये मैंने बताए थे कि अगर नाक में गले में दिक्कत है तो उसको यूआरटीआई बोलते हैं लोअर में लंग्स में आती है तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोरोना में दोनों है कोविड में दो तरह का निमोनिया है लोबार एंड लॉब्यूलर डिपेंड करता है लंग्स के कितने एरियाज डैमेज हैं ये सब हमने किया था एंटीबायोटिक दे सकते हो ऑक्सीजन सप्लाई के दे सकते हैं इनहेलर दे सकते हैं डिजेंट्री वर्ड जहां भी आ जाएगा उसका मतलब होता है कि स्टमक में क्रैम पड़ते हैं मरोड़ जैसा दर्द होगा इसमें लूज मोशन रहेंगे मेडिसिन में एक आ, एक वो होती है इमरजेंसी होती है डायरिया वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन इस केस में इमीजिएटली ड्रिप लगानी पड़ती है इमिजिएटली ग्लूकोज देना पड़ता है वेन्स के थ्रू अदरवाइज डेथ भी हो सकती है जो डिजेंट्री है

अनपास्टराइड मिल्क ले लिया प्रोसेस्ड नहीं था लोकल टैप वाटर ले लिया अगर आपने डायरिया होगा स्टमक क्रैम्प्स होंगे मैंने बताया था जब दर्द कई तरीके के होते हैं इसमें ऐसा दर्द होता है जैसे पेट में कुछ घूम रहा हो स्पाजम बोलते हैं तो इसमें एंटी स्पेजिक मेडिसिन देते हैं इसीलिए पेट दर्द के लिए मेफ्टॉल स्पास आती है क्योंकि स्पेजमेटिक पेन होता है पेट के अंदर आप पेट दर्द के लिए कॉम्बी फ्लेम डिक्लोफेनिक नहीं खा सकते क्योंकि उसका दर्द और दर्दों से अलग रहता है प्लेक किसी टाइम पे जैसे आज पेंडेमिक फैला हुआ है कोरोना वायरस का किसी वक्त पे ऐसे ही प्लेग फैला था ब्लैक डेथ के नाम से बहुत फेमस है क्योंकि इसकी से जब डेथ होती थी तो बॉडी जो होती थी वो ब्लैक कलर की हो जाती थी डिवास्टेटिंग था पूरे पूरे सिटीज खत्म हो गए। तो से ये होता है, का बहुत पुराना नाम है पास्चुरला ये नीट में पूछते हैं नाम चेंज हो चुका है बोर्ड की ऑपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ ये नाम काफी है यरसिनिया पेस्टिस ये जो प्लेग होता है इसका जो डैमेज का है एरिया वो अलग अलग है ये लंग्स पे ब्लड पे और लिम्फ नोड पे तीनों जगह पे डैमेज कर सकता है ये जो प्लेग है वो एक्चुअली रैट्स की बीमारी है मैंने बताया था क्लास में भी ये होती रैट्स को है और ऐसी जो भी हैं जो एनिमल्स में आती है वो हाईली डेंजरस होती है इसका जो कैरियर है वो चूहे के पिस्सू होते हैं इतना समझ लो कि ये डिसीज चूहे के अंदर होती है बट चूहे की बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे फ्लीज रहते हैं पिस्सू रहते हैं झूमो की तरह वो इसको फैलाते हैं अगर रैट को प्लेग है फॉर श्योर रैट मरेगा ही मरेगा अगर उस रैट की बॉडी पे फ्ली है अब वो सर्वाइव कहाँ करेंगे क्योंकि जिस पे वो फीड कर रहे थे वो तो मर गया इनको कोई भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है तो ह्यूमंस मिलते हैं तो ह्यूमंस की बॉडी पे चिपक जाते हैं सब करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये वहां से यर्सिनिया पेस्टिस को फैलाना शुरू करते हैं एक्चुअली रैट में था रैट से कहा गया ह्यूमन में फैलाया किसने फ्ली ने जैसे मलेरिया को मच्छर फैलाते हैं ऐसे ही इसको कौन फैलाता है फ्लीस रैट फ्लीज पिस्सू बोलते हैं जिसको ये वही होगा जहां प्रॉपर नहीं होगी क्राउडिंग ज्यादा होगी चूहे जहां ज्यादा होंगे इंक्यूबेशन पीरियड सेवन डेज इमीजिएट मेडिसिन चाहिए सभी बैक्टीरियल डिसीजेस के ट्रीटमेंट में आप एक चीज कॉमन लिख सकते हो एंटीबायोटिक्स डिफ्थीरिया मैंने आपको इमेज दिखाई थी बच्चों में बहुत कॉमन है ये मुंह की डिसीज होती है टॉन्सिल्स के ऊपर एक ग्रे कलर की डेड टिश्यू की कवरिंग बन जाती है ब्रीदिंग में दिक्कत आने लगती है डिफ्थीरिया की एक वैक्सीनेशन होता है डीपीटी डिफ्थीरिया ग्रुप में लिख रहे थे कॉम्बिनेशन है ये vaccination का. ये वैक्सीनेशन का जो कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं जैसे अभी टेटनस इसके साथ कॉम्बिनेशन में है तो इनकी जो मेमोरी होती है वो कम होती है तो एक वक्त के बाद दोबारा टेटनस देना पड़ता है उसको अगर ऐसी कोई चोट लग जाती है तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी थ्रॉट और अपर एयरवेज पे अटैक करता है लंग्स पे इसका अटैक नहीं है निमोनिया बता देती हूँ यहाँ पे बैक्टीरियल और वायरल दोनों तरीकों से हो सकता है बट मोस्ट कॉमनली जो ये है बैक्टीरिया से होता है जो बच्चे पैदा होते हैं पैदा होते ही बच्चों में निमोनिया हो जाता है उन्हें एडमिट करना पड़ता है वो एक अलग तरीके के बैक्टीरिया से है दैट इज ग्रुप बी स्ट्रेप्टो ये जनरली उनमें होता है जिन लेडीज की नॉर्मल डिलीवरी होती है ये ब्लड में रहता है जनरली और के, के अमीबिक भी, भी, भी हो सकती है इंडिया में जो कॉमन है मैं रिपीट करी वो अमीबिक है क्योंकि जो शिगेला बेसर बैक्टीरिया इंडियन एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा सर्वाइव ये नहीं कर सकता मलेरिया और ये जो वायरल फंगल डिसीजेज हैं काफी इजी हैं एक बार आप खुद से इसको रीड कर लेना उसके बाद भी डाउट आता है तो हम वैसे भी यूनिट वाइज फिर से अभी तो बहुत रिविजन होंगी खुद से रीड कर लो नोट्स पढ़ लो एक दूसरे से डिस्कस करो अदरवाइज नेक्स्ट रिविजन में कम्पलीट हो जाएगा और हो सकता है फर्स्ट में से स्कूल स्टार्ट हो जाए तो हम वहीं कर लेंगे अच्छे से स्टिल कोई डाउट है कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है दस बार पूछ सकते हो ग्रुप में मैसेज कर दो एक ये इमेज मुझे दिखानी थी ये ग्रुप में पता नहीं शेयर की है यानी मैं आज शेयर कर दूंगी यहाँ से आप एड्स का ये डायग्राम जरूर बना लेना वायरस का इस डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहे हैं ये दिख रहा है सेंटर में दो आर एन ए के मटी दो आर एन ए आइडेंटिकल है और ये जो दो राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं दे आर दी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये बाहर इनवेल्प है ये नॉब लाइक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है जीपी वन ट्वेंटी एलिमेंट्री से लिया हुआ है जिसके पास एलिमेंट्री है वहां से ही diagram कर लेना, otherwise है यहां से draw कर 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 ये लेना yes, इस चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर द इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके नाम को अच्छे से समझना है स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है कि आ, कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको हम यूज करके फूड की प्रोडक्शन को इनहांस कर सकते हैं वो चैप्टर जितना ज्यादा लेंथी था समझने वाला था ये उस उससे उस ज्यादा उस, उतना ही इजी है ये जितना वो थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा इंटरेस्टिंग था नो no डाउट ये उससे बहुत ज्यादा इजी है स्ट्रेटजीज का मतलब होता है तरीके इन्हांसमेंट का मतलब होता है किसी चीज को एनहांस करना बढ़ाना फूड प्रोडक्शन आप सबको पता होगा कि फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाना इंडिया के लिए इस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज है पॉपुलेशन का बढ़ना पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है सेंसस होता है जनगणना जो हर दस साल में किया जाता है एवरी टेन ईयर पॉपुलेशन काउंट होती है घरों में आते हैं पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं वो रिकॉर्ड टेन ईयर्स के बाद होता है लेकिन एक एस्टिमेशन जो है वो हर हर साल एक एस्टिमेशन बनाया जाता है कि इतनी पॉपुलेशन होगी तो लास्ट 2020 का जो एस्टिमेशन है उसके अकॉर्डिंग इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.7 परसेंट इंडिया ही कॉन्स्टिट्यूट करता है बोर्ड और नीट के लिए ये सब नहीं है जनरली ये चैप्टर के लिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ सिर्फ कि इस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा स्पीड से बढ़ती जा रही है लिए हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जितनी पॉपुलेशन है लगभग सबको फूड मिलना चाहिए कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए जो अभी बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है क्योंकि पॉपुलेशन जितनी स्पीड से बढ़ रही है हमारी फूड प्रोडक्शन उतनी नहीं है एक जीके का चैप्टर आप इसको मान सकते हो शुरुआत में बाद में इसमें बायो आएगी कि इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे काफी स्पीड से बढ़ रही है फूड प्रोडक्शन उतना है नहीं अगर हम देखें कि हमारे फूड के मेन सोर्सेस क्या हैं तो फूड के मेन सोर्सेस में एनिमल्स आते हैं या फिर प्लांट्स आते हैं दो क्योंकि लोग वेजिटेरियंस है हैं या नॉन वेजिटेरियन है अब जो नॉन वेजिटेरियन है मान लो जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं वो भी तो काफी हद तक प्लांट्स पे डिपेंड है अगर वो चिकन खाते हैं नॉन वेज खाते हैं तो वो जो चिकन लाए हैं वो भी तो पेड़ पौधे ही खाएगा ना तो इस तरीके से ये हमारे दो मेजर सोर्स हैं फूड के इस चैप्टर में पूरे में यही बताया गया है कि कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज करके कौन से तरीकों को यूज करके हम इंडिया में फूड प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हैं राइट ये हमारा मेन फोकस है इसमें अलग अलग मेथड्स को पढ़ेंगे हम दो मेन सोर्सेज हैं हमारे फूड के या तो एनिमल्स हैं या तो प्लांट्स हैं हम इन दो चीजों पे डिपेंड हैं अपने फूड प्रोडक्शन के लिए तो हम इसमें चार टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है एनिमल हजबेंड्री प्लांट ब्रीडिंग टिश्यू कल्चर और सिंगल सेल प्रोटीन सिंपल तो चीजें चारों पॉइंट को हमें इसमें एक्सप्लेन करना है कि ये चारों स्ट्रैटेजीज फूड की प्रोडक्शन को कैसे इन्हांस कर सकती है ठीक है फर्स्ट है एनिमल हजबेंड्री इसका पहले मतलब समझो एनिमल हजबेंड्री का मतलब होता है जैसे अः ये वो टेक्निक है वो लोग हैं जो पशुओं को पालते हैं उनकी केयर करते हैं उनकी ब्रीडिंग करते हैं उनसे जो प्रोडक्ट आता है उसको बेचते हैं मतलब जैसे आप कह सकते हो डेयरी होती है लोगों की गाय फेंस सकते हैं दूध मिल्क मिल्क है मिल्क प्रोडक्ट्स हैं सेल करते हैं लोगों के पोल्ट्री फार्म्स होते हैं लोग मधुमक्खियां पालते हैं फिशेज पालते हैं तो ये सब किस में आ जाता है एनिमल हर्ड हस्बेंड्री में एक चीज में और ध्यान रखनी है कि डोमेस्टिक एनिमल्स लाइफ स्टॉक वर्ड आएगा बार बार लाइफ स्टॉक का मतलब होता है वो एनिमल्स जिनको फार्म के अंदर रखा जा सके अब आप शेर चीतों को फार्म में नहीं रख सकते हो लेकिन डोमेस्टिक एनिमल काउज हैं कैटल्स हैं बफेलोज हैं हेन है हनी है, 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 बीज हैं फिशरीज हैं इनके फार्म्स होते हैं ये लाइफ स्टॉक के अंदर आते हैं तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन इस चैप्टर का मेन फोकस क्या है कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज को आप यूज करोगे जिससे इंडिया की फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा एनहांस हो सके क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इनक्रीस हो रही है लेकिन हमारी फूड प्रोडक्शन उतनी ज्यादा नहीं है किस किन तरीकों को यूज करके हम फूड के प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हैं इंडिया में गांव सबसे ज्यादा है हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे पास सोर्सेस भी बहुत ज्यादा है बहुत पशु हैं हमारे पास दिक्कत क्या है कि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं खेती करने में भी फार्म्स में भी अगर हम उसमें थोड़ी सी भी साइंस अप्लाई करें टेक्नोलॉजी अप्लाई करें तो हम उस प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इनहांस कर सकते हैं ये इस चैप्टर का थीम है चार टॉपिक्स इसमें हम कवर करने जा रहे हैं एनिमल हजबेंड्री प्लांट ब्रीडिंग टिश्यू कल्चर एंड सिंगल सेल प्रोटीन जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे एनिमल हजबेंड्री का मतलब है साइंस ऑफ ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स सिंपल आपने फार्म एनिमल्स लाइफ स्टॉक एनिमल्स वो एनिमल्स जिनको आप पाल सकते हो घर में रक, फार्म में रख सकते हो जिनसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको बेच के अर्निंग हो सकती है बेसिकली इसका मतलब ये है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट डेयरी फार्म को कैसे मैनेज कर सकते हो डेयरी फार्म तो सबको मालूम होगा ये जो डेयरी होती है गाय भैंसे रखते हैं जिसमें पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट बर्ड्स रखते हैं ये मुर्गियां मुर्गे रखते हैं एनिमल ब्रीडिंग एक तो ये है कि ये आपने कोई डेयरी फार्म बनाया उसको मैनेज कैसे करोगे आपने कोई पोल्ट्री फार्म बनाया उसको मैनेज कैसे करोगे आपने फार्म्स बना लिए तो उनकी ब्रीडिंग भी बहुत जरूरी है ब्रीडिंग का मतलब होता है मेटिंग करना मेटिंग करेंगे वो तभी नए ऑर्गेनिजम्स आएंगे दैट इज एज ब्रीडिंग तो इन फार्म्स में ब्रीडिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी उनकी केयर इंपॉर्टेंट होती है नेक्स्ट आएगा बी कीपिंग बी कीपिंग का मतलब होता है मधुमक्खियों को पालना एंड नेक्स्ट है फिशरीज मछलियों को पालना ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं समंदर के पास वाले उनका ये मेन प्रोफेशन होता है फिशस को पालना ठीक है तो हम एनिमल हस्बेंड्री को पहले एक्सप्लेन करेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री वो साइंस है जहां पशुओं को रखा जाता है उनकी केयर की जाती है उनसे मैन man को मैनेज किया जाता है अगर एनिमल हस्बेंड्री पे ध्यान दिया जाए अगर हम डेयरी फार्म को प्रॉपर मैनेज करें पोल्ट्री फार्म को मैनेज करें एनिमल्स की ब्रीडिंग पे ध्यान दें मधुमक्खियों को अच्छे से पालें केयर रखें फिशरीज पे ध्यान दें तो इन सब पे ध्यान देकर हम इंडिया की फूड प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग प्लांट्स के अंदर ब्रीडिंग कराना नए नए हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं नए नए प्लांट्स बनाए जाते हैं जैसे एक प्लांट ऐसा है जिसका ऐसे एग्जाम्पल ले रही हूं मैं एक सपोज एक प्लांट है एक इसपे जो फ्रूट लगता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है राइट right? दूसरा एक प्लांट है बी इस पे जो फ्रूट्स हैं उसका जो है वो साइज बहुत अच्छा है इल्ड बहुत अच्छी है बट उसका टेस्ट अच्छा नहीं है आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि दो प्लांट्स हैं एक प्लांट्स के फ्रूट में एक कैरेक्टर है दूसरे प्लांट के फ्रूट में ये दो कैरेक्टर हैं। ये एक एक ही मान लो एप्पल के ही दो ट्रीज हैं। हम चाहते हैं कि ये तीन कैरेक्टर कंबाइन हो जाए टेस्ट साइज और इल्ड मतलब ऐसा फ्रूट हो गया जो टेस्ट में भी अच्छा हो साइज में भी अच्छा हो होल्ड भी बहुत अच्छी और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो इसके लिए क्या किया जाते हैं हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं हम उनको क्रॉस करा सकते हैं कैरेक्टर कंबाइन कर सकते हैं इसको कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग इसको डिफाइन कैसे करोगे साइंस ऑफ चेंजिंग दी कैरेक्टर्स ऑफ ए प्लांट टू प्रोड्यूस दी डिजायर्ड कैरेक्टर आपने अपने मन चाहे कैरेक्टर्स बनाने के लिए प्लांट्स के अंदर ब्रीडिंग कराई पर ध्यान रखना ये एक बार में पॉसिबल नहीं है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में यही काम किया जाता है अगर आपने सौ हाइब्रिड बनाए हैं तो हो सकता है सिर्फ चार हाइब्रिड ही ऐसे बने होंगे जिसमें आपके डिजायर्ड कैरेक्टर होंगे जरूरी नहीं कि सब में हो पर्पज क्या होगा इससे न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी ईल्ड बढ़ जाएगी फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी हमारी लोगों को न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा अगर हम अच्छी अच्छी फ्रूट्स अच्छी वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली लोगों को न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग करते कैसे हैं प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से ऐसे प्लांट्स बनाए गए हैं जिस पर डिसीज नहीं लगती प्लांट ब्रीडिंग की मदद से ऐसे प्लांट बनाए गए हैं जिस पर इंसेक्ट्स अटैक नहीं कर सकते प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से ऐसे ऐसे फूड बनाए गए हैं जिनकी क्वालिटी बहुत बढ़ गई है गोल्डन राइस बनाया गया उसमें ए बहुत ज्यादा था इस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग जैसे हमने एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल पे फोकस किया था ना कि एनिमल्स को कैसे मैनेज करना है एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को आप कैसे बढ़ा सकते हो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ध्यान देना है हमें प्लांट ब्रीडिंग में हमारा फोकस रहेगा प्लांट्स पे कि कैसे हम नए नए प्लांट्स बना सकते हैं नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर ला सकते हैं उनकी क्वालिटी को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं नेक्स्ट आएगा आपका टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है कि आप आर्टिफिशियल कंडीशन में प्लांट बना सकते हो लैब में और एक पौधे से सौ पौधे तैयार किए जा सकते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ेगा तो उसमें होने वाले फूड का नंबर भी बढ़ता जाएगा हम बाद में डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर एक प्लांट से टिश्यू लेकर उसे लैब में कल्चर करके आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो किया जाता है जैसे मान लो ये एक प्लांट है इसका एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया स्टेम ले सकते हो रूट ले सकते हो लीफ ले सकते हो इसको हम लैब में ले गए इस छोटे से पार्ट से मीडियम में करके ग्रो हमने एक नया प्लांट बना दिया छोटा सा अब इस प्लांट को हम सोइल में ले जाएंगे और सॉइल में हम ग्रो कर देंगे इस तरीके से एक प्लांट से अलग अलग पार्ट्स लेकर लैब के अंदर हम बहुत सारे प्लांट्स जनरेट कर सकते हैं ये जो आप छोटा सा पार्ट लेते हो प्लांट का कट करके उसको बोला जाता है एक्स प्लांट उस प्लांट का ये पार्ट है तो इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे अभी मैं सिर्फ इन चारों टेक्निक्स का आपको इंट्रोडक्शन दे रही देंगे नेक्स्ट आते हैं सिंगल सेल प्रोटीन एस सी पी इन इनका मतलब इनको बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है तो आप बोलोगे एडिबल एडिमल ऑर्गेनिजम्स एडिबल मतलब जो खाए जा सके यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल्ड होते हैं ऑर्गेनिजम्स आपको पता ही है ये एक बहुत बड़ा प्रोटीन का सोर्स है जब लोग स्पेस में जाते हैं जहां पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है गैस नहीं है किचन नहीं है खाना नहीं मिलता वो अनाज की बोरियां अपने साथ ले जा नहीं सकते तो वो क्या करते हैं जिस ये सिंगल सेल प्रोटीन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम आते हैं इनके पाउडर मिलते हैं जैसे मान लो ईस्ट है इसको ड्राई करके पीस करके एक पाउडर बना दिया जाता है ये लोग वो लेकर जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है बहुत लंबे समय तक इसको खाकर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सकता है तो इसको क्या कर? आज की डेट में जब हमारे पास इतने क्राइसिस हैं एनिमल फूड प्लांट फूड हमें पूरा नहीं पड़ता तो सिंगल सेल प्रोटीन भी एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे लिए का. तो इन चार को यूज करके आप फूड के प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हो चैप्टर है कौन कौन सी आप यूज करोगे इंडिया के नीड क्या है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने की क्योंकि जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेजी से हमारा फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ता राइट दो सोर्सेज हैं हमारे पास फूड के मेन एनिमल और प्लांट्स तो फोकस यही है भाई कि किसी तरीके से इनसे होने वाले फूड को बढ़ाया जा सके एक चीज ध्यान रखना है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी हमारे ये दोनों फोकस होने चाहिए ऐसा नहीं है कि फूड प्रोडक्शन बढ़ा दी और बेहद गंदी क्वालिटी का फूड है हमें इन दोनों पे ध्यान देना होता है क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे प्लस इनकी केयर भी जरूरी है ऐसा थोड़ी है कि एक फार्म लगाया वहां के एनिमल से पूरा प्रोडक्ट ले लिया उसके बाद उनको मरने के लिए छोड़ दिया हमें उनकी भी हमारी एथिकल वैल्यूज हमें ये अलाउ नहीं करती तो हमें इनको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है एनिमल्स से होने वाले फूड को मैनेज करने के लिए जो टेक्निक है वो क्या है एनिमल हस्बेंड्री इसमें हम पढ़ेंगे डेयरी फार्म को कैसे मैनेज करना है पोल्ट्री फार्म को कैसे मैनेज करना है इनकी ब्रीडिंग कैसे करानी एनिमल्स की मधुमक्खियों को कैसे केयर करते हैं बी कीपिंग कैसे कर सकते हो फिशरीज में किन किन चीजों का ध्यान देना पड़ता है तो यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट है आपका एनिमल हजबेंड्री एनिमल हजब्री का डिफाइन मैं आपको कर चुकी हूँ कि अगर हम ये डेयरी फार्म पोल्ट्री फार्म बी कीपिंग पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू कर दें बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू कर दें तो हम इंडिया के फूड प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा सकते हैं हम पे एनिमल्स की कोई कमी नहीं है गांव में शहरों में बहुत एनिमल्स हैं बट दिक्कत क्या कि हम ट्रेडिशनल मैथड्स पे बेस्ड हैं हम कुछ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं करते हैं एनिमल हजबेंड्री डील करता है लाइफ स्टॉक से लाइफ स्टॉक वो एनिमल होते हैं जिन्हें पाला जा सकता है फार्म में रखा जा सकता है लाइफ स्टॉक में लाइन टाइगर बियर ये सब नहीं आते इनमें आएंगी बफेलोस गॉड्स शीप्स कैमल जो इंसानों के लिए फायदेमंद भी हैं ठीक है इनमें बीज भी आती हैं और फिशरीज भी आती हैं मखियां सिर्फ हमें काटती नहीं है मक्खियों से हमें शहद भी मिलता है और जेल वैक्स भी मिलती है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है इंडिया और चाइना के पास पूरे वर्ल्ड के लाइफ स्टॉक का सेवेंटी परसेंट है यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा नंबर हम लोग रखते हैं पूरे वर्ल्ड में से अगर मान लो पूरे वर्ल्ड में हंड्रेड एनिमल्स पाए जाते हैं तो उसमें से सत्तर इंडिया और चाइना के पास ही हैं। हंड्रेड नहीं है बहुत सारे हैं मैं सिर्फ एक बार ऐसे ही समझा रही हूँ कि सेवेंटी परसेंट हम रखते हैं बट हमारी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट बहुत लो है हम फूड बहुत ट्वेंटी फाइव परसेंट से फूड दे पा रहे हैं पॉपुलेशन है सत्तर परसेंट फूड प्रोडक्शन उसकी सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं तो हमें किसी तरीके से इनको ऐसे मैनेज करना है कि ये फूड प्रोडक्शन 25 परसेंट से उठ के कम से कम साठ पैंसठ पे आ जाए 70 परसेंट तक नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं एटलीस्ट फिफ्टी सिक्सटी परसेंट तक हम उसको बढ़ा सके देन द फर्स्ट पॉइंट इज डेयरी फार्म मैनेजमेंट बहुत इजी है ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट का मतलब होता है आपने कोई डेयरी फार्म लगाया डेयरी एनिमल्स हैं आपके पास उनको मैनेज कैसे करोगे पहली बात कि मैनेज करना है इनमें एनिमल्स कौन से आएंगे कैटल आती हैं गाय भैंस जो भी होती है इन सबको कैटल का नाम दिया जाता है तो अभी से आप इसको अलग नहीं लिखोगे काउज एंड फेलोज आप एक सिंपल नाम लिखोगे कैटल्स और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इनको बोलते हैं जेब्यू कैटल्स जिनको डेयरी फार्म में रखते हैं काओ का साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस यहाँ मैंने मेंशन किया है बॉस स्पीशियस कैमल्स और गॉड्स ऊंट होते हैं बकरियां होती हैं ये भी मिल्क प्रोडक्शन करते हैं ठीक है अब इनमें कौन पहले आपको ये देखना है बड़ा बेसिक सा टॉपिक है ये डेरी फार्म में कौन कौन से एनिमल्स होने चाहिए काउस अडल्ट फीमेल होती हैं बुल बैल जिसको बोलते हो ये क्या होते हैं अडल्ट मेल होते हैं एक होता है बुलक बुलक होते हैं जो ये कैस्ट्रेटेड मेल होते हैं ये ऐसे बैल हैं जिनके टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी करके पर्पज क्या होता है कि अगर टेस्टिस रिमूव कर दिए जाए तो इनकी सेक्शुअल डिजायर खत्म हो जाती है फर्टाइल नहीं रहते ये फिर इनका फायदा क्या है इनका फायदा ये है कि इनका साइज बहुत बड़ा होगा जितना बड़ा इनका साइज होगा मीट प्रोडक्शन इतनी ज्यादा होगी हम लोग काओ मीट नहीं लेते हैं जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन है इंडिया में बीफ बहुत बीफ का मतलब होता है गाय का जो मांस होता है मीट होता है दैट इज नोन एज बीफ ये जो बुलक्स होते हैं इनका पर्पज सिर्फ बीफ देना है या एग्रीकल्चर काम करते हैं क्योंकि ये बहुत पावरफुल होते हैं क्या स्ट्रेट कर दिया जाता है इनको इनके टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है इन एनिमल्स का यूज क्या है प्रोडक्शन करते हैं ऑब्वियसली एग्रीकल्चर वर्क में मदद करते हैं काओ से डंग मिलता है जो काय का गोबर होता है वो फ्यूल की तरह यूज होता है बहुत लोग काओ के मीट को यूज करते हैं फूड के लिए जिसको हम बीफ कहते हैं इंडिया में बहुत कम यूज होता है ये मैनेजमेंट करने का पर्पज क्या है क्यों मैनेज करना चाहिए डेयरी फार्म को ताकि हम मिल्क की ईल्ड को बढ़ा सके ईल्ड आप समझते हो सब लोग का मतलब होता है पैदावार को बढ़ा सकें कि मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जिसका भी डेयरी फार्म होगा उसकी ये इच्छा होगी कि उसके पास बहुत सारा मिल्क मिलता हो उसको जिसको वो बेच के अर्निंग अर्न, अर्न कर सके प्लस ज्यादा हो और क्वालिटी वाला मिल्क हो क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं होगी तो बहुत लंबे टाइम तक लोग उससे दूध लेंगे ही नहीं तो हमारा मेन पर्पज क्या है क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वान्टिटी भी होनी चाहिए अब ये जो ईल्ड है ईल्ड को आप क्वांटिटी भी लिख सकते हो बट इल्ड लिखना ज्यादा साइंटिफिक लगता है क्वांटिटी और क्वालिटी ये किस पे डिपेंड करती है ब्रीड पे जितनी अच्छी नस्ल का एनिमल होगा मिल्क की प्रोडक्शन उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी उसकी अब आप इनको मैनेज कैसे करोगे अच्छी ब्रीड के एनिमल चूज करने चाहिए सबसे पहले तो ब्रीड अच्छी नस्ल के एनिमल्स होनी चाहिए नस्ल कैसे डिसाइड होती है कि वो कितना दूध देते हैं और कितनी बार देते हैं मतलब कुछ कुछ फैक्टर्स हैं उसके बेसिस पे ये ब्रीड डिसाइड करनी होती है अगर आपने एक फार्म रख लगाया हुआ है फार्म बनाया हुआ है तो आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि वेटरनरी डॉक्टर की रेगुलर विजिट होनी चाहिए ताकि उनको कोई बीमारी तो नहीं हो रही एनिमल्स को उनको चेक किया जा सके वो बोल नहीं सकते हैं तो उनका चेकअप प्रॉपर मैंडेटरी है मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी इन कैटल्स को पूरा प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए दे शुड बी लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली पूरी टेक केयर मिलनी चाहिए इनको क्लीनलीनेस में करनी चाहिए साफ सफाई होनी चाहिए प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए जहां ये रहते हैं शेडी एरियाज होनी चाहिए धूप आनी चाहिए जो हम अपने लिए इमेजिन करते हैं वही हमें एनिमल्स को देना है प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए इनको जो फोडर खिलाया जाता है चारा खिलाया जाता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए मतलब इनको भरपेट खाना देना चाहिए और अच्छा देना चाहिए क्वालिटी का एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फीड देम इन साइंटिफिक मैनर साइंटिफिक मैनर का मतलब यहाँ ये नहीं है साइंटिस्ट उन्हें खाना खिलाने आएगा इसका पर्पज ये है मतलब ये है कि एक प्रॉपर एरिया होना चाहिए जहां वो खाना खाए और जहां वो अपना का डायग्राम प्रॉपरली बना नहीं पाई हूँ मैं आपको एक इमेज दिखाती हूं अभी ये इमेज दिख रही है आपको जैसे ही किसी डेरी फार्म की इमेज है बहुत सारी कैटल्स है यहाँ पे ठीक है बहुत अच्छा वाला फार्म लग रहा है सोफिस्टिकेटेड सा यहाँ एरिया है यहाँ जगह बनी हुई है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे इनको फोडर डाला जाता है चारा डाला जाता है जो ये खाएंगी ये चीज आप देखो यहाँ एक स्लोप मेंटेन है यहाँ ये यह डंग पास करेंगी और यहाँ एक छोटा सा डिप्रेशन दिखाई दे रहा है नाली टाइप जैसे डिप्रेशन होते हैं यहाँ पे वाटर सप्लाई है काओ ने अगर डंग पास किया स्लोप के जरिए वो एकदम से नीचे आएगा और अगर पीछे वाटर सप्लाई साथ साथ होगी तो वो इजीली वॉश आउट होता जाएगा मतलब डेयरी फार्म में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खा कहीं और रही है डंग पास कहीं और कर रही है प्रॉपर एक मैनेजमेंट होनी चाहिए दिस इज नोन एज फीडिंग इनिफिक मैनर डीन गव टू हायर दू फीड दैटल्स इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब है कि प्रॉपर एक मैनेजमेंट होनी चाहिए उनकी जैसे हमारे घरों में मैनेजमेंट होती है खाना बनाने का एरिया अलग है एक सिकेंड तो इस तरह से आप इसको मैनेज करना चाहिए इनको दूसरा कि इनकी ब्रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रीडिंग मिल्क प्रोडक्शन के लिए कहते हैं कि हर लैक्टेशन के बाद काउ की मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाती है ठीक है अगर एक बार एक काओ सुबह और शाम टेन टेन लीटर अगर मिल्क दे रही है तो हर लैक्टेशन के बाद उसकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाती है फाइव एम एल टेम एम एल एम एल एटलीस्ट इतनी बढ़ जाती है ये नीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्गीज क्यूरीन क्यूरीन भी बोला जाता है इन्हें फादर ऑफ द रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन इन इंडिया ये आपको सबको पता होगा ग्रीन किसको कहा जाता है जब एकदम से खेती में बहुत बड़ा बदलाव आया था हमारी कंट्री के अंदर और जब मिल्क प्रोडक्शन के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया था एनहांसमेंट हुई थी तो उसको बोला गया था वाइट रेवोल्यूशन और ये किसने लाया था वर्गीसी क्यूरीन के क्यूरीन ने नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं रिपीट कर रही हूँ इसकोजीज फॉर एनहांसमेंट इन दी फूड प्रोडक्शन इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि कैसे हमें इंडिया के प्रोडक्शन फूड प्रोडक्शन को एनहांस करना है कौन सी स्ट्रेटेजीज को हमें यूज करना है कौन से तरीकों को हमें यूज करना है कहाँ कहाँ हमें ध्यान देना है राइट right? क्यों करना है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है हमारे पास फूड प्रोडक्शन इतनी नहीं है तो आज बहुत जरूरी हो गया है कि हमें फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना फूड के मर रहे हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो फूड को वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ कहीं पे भी बैलेंस मेंटेन नहीं है एनिमल्स और प्लांट्स हमारे दो मेन सोर्स है फूड के राइट तो हम इसमें चार टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं एनिमल हजबेंड्री प्लांट ब्रीडिंग टिश्यूकल एंड सिंगल सेल्फ्रोटीन इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है एनिमल्स की ब्रीडिंग करना केयर करना फार्म बनाना एनिमल्स को वहां पर रखना उनको मैनेज करना सिंपल इसमें आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट एनिमल ब्रीडिंग आप इसमें लाइव स्टॉक से डील करते हो डोमेस्टिक लॉइन और ये बियर इनसे, हमारा कोई snakes, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है इसमें ये हैं जिनको आप पाल सकते हो घर के अंदर फार्म्स के अंदर रख सकते हो राइट तो हमारे पास अगर लाइव स्टॉक देखा जाए डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स देखे जाए तो सेवेंटी परसेंट वर्ल्ड का अलोंग विथ चाइना लेकिन फूड प्रोडक्शन उसके मुकाबले हमारा हाफ भी नहीं है 25 दे पा रहे हैं हम प्रोडक्टिविटी काफी लो है हमारी द रीजन बिहाइंड दिस इज वी आर लैकिंग बिटवीन लैकिंग इन द न्यू टेक्नोलॉजीज हम लोग ट्रेडिशनल मैथड्स पे काम कर रहे हैं तो अभी क्या है नई जनरेशन आ रही है हम नए मेथड्स को यूज कर सकते हैं ठीक है तो अब गांव में भी है जो बाहर से पढ़ लिख कर आ जाते हैं वो एग्रीकल्चर में नए नए प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट है डेयरी फार्म मैनेजमेंट सबसे पहले आप डेयरी फार्म को समझोगे डेयरी फार्म में कौन से एनिमल्स रखे जाते हैं कैटल्स रखी जाती हैं काउस बुल बुलक्स इनका पर्पज क्या है हमारा मेन फोकस पर्पज बहुत है बट हमारा मेन फोकस क्या है मिल्क प्रोडक्शन करना ठीक है तो मैनेजमेंट का पर्पस क्या है क्वालिटी होनी चाहिए प्लस क्वांटिटी होनी चाहिए कैसे मैनेज करोगे सबसे पहले फार्म बनाने के लिए कच्ची ब्रीड ऑफ एनिमल डिसाइड करोगे रेगुलर विजिट करोगे करवाओगे वेटनरी ये इनको लेके नहीं जा सकते एक वेटनरी डॉक्टर हायर कर सकते हैं एक वीकली या मंथली विजिट हो सकती है उसकी ताकि अगर बीच में किसी का, किसी के कि एनिमल को को कोई डिसीज होने लगी है तो एटलीस्ट वो दूसरों को स्प्रेड ना हो प्रापर प्रापर आपको अभी इमेज दिखा चुकी हूँ कि उनका काव डंक पास करने का एरिया कैसा होना चाहिए फीड करने का कैसा होना चाहिए उनको प्रॉपर फोर्डर देना चाहिए ब्रीड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रीडिंग इनकी बहुत जरूरी है लेकिन के बाद की, आ, उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एक काउ जब एक काल्फ को जन्म देती है उसके बाद उसकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाती है फिर धीरे धीरे वापस वो कम होने लग जाती है को बोला जाता है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन दी इंडिया नेक्स्ट है टॉपिक है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट पोल्ट्री से आपको सब समझ में आता होगा डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स रखे जाते हैं जहां पर डग हैं चिकन टर्कीज़ गूज बथक इन सब को रखा जाता है अपने आसपास तो हम ज्यादातर मुर्गे मुर्गियों के फार्म ही देखते हैं हेन के चिकन के इसके मैनेजमेंट भी मैंडेटरी है एक चीज आप ध्यान रखना जब भी आप कोई फार्म रख बनाते हो पशुओं को रखते हो तो उनको केयर देना लव देना अफेक्शन देना इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये हमें करना पड़ता है यहाँ जैसे हमारा डेयरी फार्म के अंदर हमारा मेन फोकस क्या था मिल्क था ऐसे ही पोल्ट्री फार्म में हमारा मेन फोकस क्या है एग्स और मीट मुर्गे मुर्ग, मुर्गी से हमें अंडे मिलेंगे या फिर मुर्गों से हम मीट बना ले सकते हैं चिकन ले सकते हैं यही हमारा मेन पर्पज है मैनेजमेंट क्यों करनी है ये लोन क्वालिटी मिलनी चाहिए प्लस क्वांटिटी मिलनी चाहिए एग की और मीट की क्वालिटी भी अच्छी